श्रीमती ज्योति दुर्वे। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। प्रस्तुत बजट में हो रही चर्चा में मुझे आपने बोलने का जो अवसर दिया, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2010 का यह बजट प्रस्तुत तो किया, यदि एक वाक में कहना चाहूंगी कि यह बजट आम जनता के हितों पर सचमुच में एक कुठाराघात करने वाला बजट है। सरकार द्वारा अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को और उत्तरदायित्व की कहानी को कहते हुए आम जनता के बीच में बहुत आसानी से जाती तो है, लेकिन निश्चित ही उस गरीब और उस आदिवासी और उस दलित और इस देश की इतनी बड़ी आबादी में रहने वाले उन गरीबों को निश्चित ही यह ध्यान में नहीं लेती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि यह बजट यूपी सरकार ने जो प्रस्तुत किया है वह चुनावी अवसर में यह कहते हुए नहीं अघाती है कि कांग्रेस का हाथ एक आम आदमी के साथ है। इनकी सरकार बन जाती है तो यह अपनी प्राथमिकताओं को भी भूल जाती है। अब यह सरकार यह नारा खास लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहने वाला यह नारा हमें सिद्ध होता है। महोदय, आज वर्तमान में यह देश की जो आम जनता की हाल है, मैं अपने लाइन में यह कहना चाहूंगी कि आम आदमी का जनता जीना तो मुहाल हुआ है। वित्त मंत्री जी के बजट से खास वर्ग हुआ मालामाल है। गरीब हो, किसान हो या दलित हो, महंगाई ने जो तोड़ कमर डाली है, सरकार ढिंढोरा तो पीटती फिरती है कि चारों तरफ खुशहाली है। सच तो यही है कि आम जनता की होली या दिवाली अब मनती है काली है। उपाध्यक्ष महोदय, हर गांव का गरीब किसान पलायन कर रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, दलितों की स्थिति और भी दयनीय हुई है। ना हाथ में रोजी रोटी है, ना पेट में रोटी है, बच्चों के मुंह भी से छिन गया निवाला है और महंगाई ने आम जनता का निकाल दिया दिवाला है। आज देश की आबादी में, पूरे देश की जो आबादी है 1,17,80,14,000 है। आज देश का बड़ा आबादी वाला हिस्सा जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, सरकार की सीधी सीधी मार यदि उत्पादक शुल्क में को बढ़ाकर और सेवा कर में भी, जो स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में हम सेवा को एक बहुत बड़ा नाम देते हैं, यदि वहां भी आप सेवा शुल्क को लगाते हैं तो निश्चित ही हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य को सेवा से हटाकर इस शब्द को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। आय की छूट में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस खास वर्गों पर ही नजर रखी है, लेकिन उस समय आम व्यक्ति पर किंचित भी उन्होंने सोचने का प्रयास नहीं किया है। देश की इतनी बड़ी आबादी में रहने वाला व्यक्ति का सपना होता है कि शायद यह बजट उसके लिए खास सौगात लेकर आया होगा, परंतु सौगात तो दूर, उसे ऐसा लगा कि उत्पादक शुल्क में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल जैसी की जो आवश्यक वस्तु है उस दाम में भी उन्होंने जो शुल्क लगाकर सचमुच में आम आदमी का जीना दुर्भर किया है। इसे निश्चित ही हर चीजों के दाम में बढ़ोतरी होगी, हर चीजों की आसमान में छूती हुई उस बढ़ोतरी को आपने बेलगाम किया है। देश को एक अंधे खाई की ओर धकलने के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस सरकार की सबसे बड़ी जो भावनाएं हैं, जो मुझे देखने में नजर आती है कि जनता को मात्र दो हिस्सों में इस सरकार ने बांट दिया है। इस दो हिस्सों के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, जिसे हम आज 62 वर्षों में भी नहीं भर पाए हैं, निश्चित ही और ना ही हम आगे इसे भर पाने की कोई क्षमता रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए मैंने इतनी सारी चीजों को मैंने इकट्ठा जरूर किया। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत देश की कभी दुनिया के हर कोने में अपना नाम प्रसिद्ध था, आज वही भारत के पूरे ढांचे को कसावट देने वाला किसान कितना मजबूर है। हमेशा किसानों की मांगे बहुत छोटी छोटी आवश्यकताओं से होती है, चाहे वह बीटी की फसलों पर रोक हो या फसल बोए जाने से पहले उसके दाम को तय करने की बात हो, बिजली पानी जैसे छोटी छोटी मांगों को लेकर वह सड़कों पर उतरता है, उन
उन्नत फसलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उर्वरक सब्सिडी की मांग भी करता है, उस उन्नत पैदावार के एक सफलतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग भी वह हर पल करता है। देश का यह किसान ना जाने अपनी ऐसी कितनी मांगों को लेकर अपनी कितनी कुर्बानी को वह देगा। मुझे सोचकर भी यह दुख होता है कि पूरे देश को जिंदा रखने वाला यह किसान कितना मजबूर है और ना जाने उसे कब तक जान की अपनी बलिदानी उसे हमेशा हमेशा देनी होगी। आज पूरा देश आतंकवाद के गिरफ्त में है, देश की हर सीमावर्ती क्षेत्र के दायरे घट रहे हैं, भारत की जमीन धीरे धीरे कम हो रही है और आज देश में रहने वाला हर गरीब आम व्यक्ति उस सीमावर्ती क्षेत्र में अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। उसे देश के हर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति उसे लगता है कि हर पल मुझे इस चिंता से कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब मेरी जमीन मुझसे छीन सकती है। और जब वह व्यक्ति रात में सोता है तो महसूस करता है कि मैं कल की सुबह देखूंगा या भी नहीं। इन हालातों के बावजूद भी सरकार की बजट में देश की सुरक्षा को ध्यान में ना रखना मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि क्या देश हमारा इतना बड़ा जो आज भारत देश दुनिया के उन राष्ट्रों में खड़े होने की क्षमता रखता है, क्या इस भारत में आज भी हमारे देश की सुरक्षा को एक अभिन्न स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसे मिलने की मेरी यही आपसे निवेदन होगा और विनती होगी कि देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। इस देश की सुरक्षा हर उस आम गरीब हर उस व्यक्ति की चिंता है, उसकी सुरक्षा करना इस देश इस सरकार की एक प्रथम प्राथमिकता होगी। सचमुच में इस बजट में देश की जितनी सुरक्षा आम व्यक्ति की सुरक्षा और आवश्यकता को बढ़े हुए धन के में उन्होंने सारी सुरक्षा को प्रदान करने की बात कही वह केवल सपने के बराबर है। आज देश की सबसे बड़ी नींव सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जो हमारा एक स्तंभ है वह देश के भविष्य का निर्माण करने वाला वह नवयुवक है। आज वह भी हर जगह बेरोजगार खड़ा हुआ नजर आता है, इतनी सारी डिग्रियां उनके हाथों में होती है पर भी उसके हाथ में उसे दो समय जीने का और अपने परिवार को जिंदा रखने का उसके पास में ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है। मैं इस बजट में इनके विश्वास को आगे लाने की एक योजना और इन्हें मजबूत करने का ऐसा कार्यक्रम सरकार को तय करने के लिए मैं सुझाव देती हूँ। तय नजर आए तो सचमुच में यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज देश में रहने वाला यह युवक के हाथ में काम नहीं है, इसे मजबूत हाथों को के द्वारा देश को एक स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने की ताकत रखता है। माननीय वित्त मंत्री जी, इस बेरोजगार नौजवानों के लिए इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए इसे निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम आगामी बजट में लाने का प्रयास करना होगा जिससे देश की सबसे बड़ी ताकत देश की सबसे बड़ी मजबूती का स्तंभ न गिरने पाए। आज हर युवक हर नौजवान का एक सपना होता है कि वह सोचता है हर दिन निकलने पर हर सुबह यह सोचता है कि सामने वो मंजिल है तो रास्ता मत छोड़ना, जो मन में हो ख्वाब वह मत तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस आसमां छूने को कभी मत छोड़ना। आज देश का हर निचला अविशिष्ट कमजोर जिसमें आदिवासी दलित रहता है उसके विकास की आज भी जितनी आवश्यकता है उन्हें विकास की आज जितनी उसे पिछले वर्षों में उन्हें तमाम सुविधाएं उन्हें आगे लाने के लिए विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें विशेष सहायता के रूप में जो राशि दी जाती थी आज उस राशि में कटौती हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस गरीब जनजाति के शैक्षणिक विकास के उनके मानसिक विकास उनके शारीरिक विकास में जो बाधाओं और जो रुकावटें को आएंगी निश्चित ही इस बजट में उन्हें अधिक आवश्यकताओं की मांग थी। आज भी यह वर्ग बिना किसी मूलभूत सुविधा के जिंदा है, जो केंद्र की राशि अपने थोड़े विकास मार्ग को मुकाम कर देता है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह वर्ग हमेशा केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता हमेशा इन्हें मिलती रहेगी। मैं विश्वास से यह सरकार को मैं बताना चाहूंगी कि हर दलित समाज हर आदिवासी समाज को आज भी हमारे केंद्र की एक आवश्यक योजनाओं की एक अच्छे क्रियान्वयन की आवश्यकता है। मैं आप उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इतिहास उनके बनते हैं जो संघर्षों से लड़ते हैं, अमर नाम करने के खातिर धूप छांव नहीं गिनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए बहुत कुछ है और करने के लिए भी बहुत कुछ है,
हमें केवल अपनी सोच को बदलना होगा। लेकिन इस बजट में आज भी मैंने देखा है कि यह बजट किसी गरीब, किसी किसान, किसी दलित और किसी आदिवासी के लिए मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगी कि महिलाओं को भी एक अच्छा योगदान मिले, उसे मजबूत बनाया जाए। आरक्षण तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन महिलाओं को उसे मजबूती देने के लिए एक सरकार की अच्छी योजनाओं के द्वारा, उन्हें विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा उनकी हालतों को, उनकी सोच को, उनके बिल्डिंग्स को इतनी अच्छी तैयार की जाए ताकि वह इस देश की एक अच्छी नारी, एक पूरे शक्ति से भरपूर पूरी नारी अपने आप को साबित करे। और यह बजट में जो कमी है उसे आगामी बजट में पूरा करने की कोशिश की जाए। निश्चित, आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।